है हमारे ही डेटा कार्ड प्रिंटर की इंस्टॉलेशन का प्रैक्टिकल करेंगे। मेरे पास इस वक्त जो कार्ड प्रिंटर अवेलेबल है ये डेटा कार्ड ST360 और इसमें जो हेड होता है वो थर्मल, ये थर्मल प्रिंटर है थर्मल हेड के साथ, और इसके बीच में जो कार्ट्रिज यूज़ होती है वो रिबन कार्ट्रिज है जिसका मॉडल नंबर है YMCKT और ये इसका पार्ट नंबर है। और इसको हम ओपन करेंगे, इसमें हमारे पास रिबन जो कि YMCKT कलर कम्बिनेशन के साथ है, इसके बीच में यहाँ पे ये RFID चिप है जो कि इसके प्रिंट काउंट को कम्युनिकेट करता है प्रिंटर के साथ। जब ये इसका प्रिंट काउंट एंड हो जाए तो ये रिबन एम्प्टी का मैसेज कार्ड में कार्ड प्रिंटर पर डिस्प्ले हो जाता है। और इसके साथ ये इसका क्लीनिंग रोल इसको कह सकते हैं, ये इसको हम रिबन रिप्लेस करते हुए इसमें इंस्टॉल करते हैं और ये कार्ड के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल हैं वो रिमूव करने के काम आता है। और ये इसके अंदर क्लीनिंग कार्ड है जिसको रिबन चेंज से पहले यूज़ किया जाता है। तो इंस्टॉलेशन का इसका टाइम जो फर्स्ट टाइम जो इंस्टॉल करने का प्रोसीजर है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास यूज़र मैनुअल और इसके बीच में पैच केबल्स, क्लीनिंग किट और इंस्टॉलेशन डिस्क अवेलेबल हैं। और इसके बीच में ये जो ब्लू कलर का वेट है ये इस रिबन को इंस्टॉल करने से पहले इसके साथ यूज़ किया जाता है। इस वेट को इसके बीच में इंस्टॉल करेंगे और रिबन इंस्टॉल करते हुए इसको प्रिंटर के बीच में इंस्टॉल करेंगे। तो मैं प्रिंटर को पैकिंग से बाहर निकालता हूँ। पावर केबल पैकिंग और ये इसका पावर एडाप्टर 24 वोल्ट का कि ये टॉप हेड के ऊपर इसका ये पुश बटन लगे जिसको प्रेस करके हम ये रिबन का यूनिट बाहर निकालेंगे। इसमें हमने रिबन इंस्टॉल करना है। ये थर्मल हेड है इसका, इस थर्मल हेड की अपने ख़ास केयर करनी क्योंकि इसकी ये सरफेस अगर काम करते हुए कहीं से डैमेज हो जाए तो जो प्रिंट है वो आपके BEC कार्ड के ऊपर ठीक नहीं आएगा, वो उसके ऊपर लाइन आएगी या कोई स्पॉट या इस तरह का एरर आ सकता है आपको, तो उससे आपने एहतियात करनी है इसको हैंडल करते हुए रिबन चेंज करते हुए। ये मैं रिबन की पैकिंग रिमूव कर रहा हूँ। इसमें आपने कलर को फॉलो करना है, ये यहाँ पे ग्रे कलर और ये RFID चिप टाइप जो बना हुआ है रोलर, ये इसको इस ग्रे के ऊपर फिक्स करना है। और यहाँ पर रिबन और जो क्लीनिंग वाला रोल था इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। इसके ऊपर से जो सेफ्टी पेपर है वो रिमूव करता हूँ। इसका ये जो सरफेस है ये एडहेसिव सरफेस है, इसके ऊपर जो उनसे डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं जो कार्ड के ऊपर अगर हों तो वो इसके ऊपर चिपक जाते हैं और आगे मज़ीद प्रिंटर के अंदर जब प्रिंटिंग के लिए कार्ड आगे जाता है तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल इसके ज़रिए रिमूव हो जाते हैं। ये मैं इसके बीच में प्लेस कर रहा हूँ। रिबन प्लेस करने के बाद इसका टॉप कवर बंद कर दिया है और ये इसका
कार्ड फीडिंग एरिया है, इसमें हम पीवीसी कार्ड प्लेस करते हैं और यहाँ पे प्रिंट होने के बाद कार्ड हमें यहाँ पे इस जगह पर रिजेक्ट होकर मिलेंगे इस जगह से। तो कनेक्ट करते हैं, पावर एडाप्टर कनेक्ट करने के बाद अब प्रिंटर के फ्रंट की तरफ आते हैं। ये इसमें जो फंक्शन बटन है, ये पावर बटन है और ये मेन्यू एक्सेस करने के लिए बटन है और ये इंडिकेशंस हैं रिबन के लिए, और ये अगर कार्ड इसमें अवेलेबल ना हो तो ये इंडिकेशन इसके ऊपर ऑन होती है। प्रिंटर को ऑन करता हूँ और इसके ऊपर हम एक डेमो कार्ड प्रिंट करेंगे। कार्ड प्लेस करते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्रिंटिंग सरफेस है वो ये ऊपर वाला जो कवर होता है, ऊपर टॉप सरफेस है, इसके ऊपर ये वाली साइड पे ये प्रिंट करता है। तो इसमें कार्ड प्लेस करते हुए आपने जो प्रिंटिंग साइड है उसको ऊपर की तरफ रखना है। अगर तो डुप्लेक्स रख रहे हैं तब भी, और सिंपल अगर कार्ड प्रिंट कर रहे हैं तो आप पता होना चाहिए कि इसकी ऊपर वाली सरफेस के ऊपर इसमें प्रिंट करना है। ये आप देख सकते हैं कि प्रिंटर इस वक्त ऑन हो रहा है, इनिशियलाइजिंग मोड में है। इसको आप पोस्ट मोड भी कह सकते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो फर्स्ट टाइम प्रिंटर ऑन हो रहा है, इसमें ये रिबन की इंडिकेशन, कार्ड की इंडिकेशन और ये मेन्यू का बटन। अब इसको यूज़ करते हुए हम इसका टेस्ट प्रिंट लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिस्टम के ऊपर इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जब आप देख सकते हैं कि प्रिंटर अपने मैकेनिकल सेक्शंस को वेरीफाई कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि प्रिंटर स्टैंड बाय है हमारे पास। इसका मॉडल नंबर है ST360 और मेन्यू प्रेस करता हूं मैं इस पर, मेन्यू अवेलेबल प्रिंटर मेंटेनेंस में हम लोग पहली ऑप्शन मिलेगी हमें क्लीनिंग कार्ड और सेकंड ऑप्शन है, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो टेस्ट कार्ड की, टेस्ट कार्ड में इसके टेस्ट कार्ड की कमांड प्रिंटर हमें एक टेस्ट प्रिंट देगा जो कि प्रिंटर की फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए हम लोग फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं कि प्रिंटर वर्किंग में है, इसका जो प्रिंटिंग हेड और रिबन वगैरह ठीक तरह से इंस्टॉल्ड है या नहीं। आप देख सकते हैं कि ये प्रिंटिंग कंप्लीट करके हमें ये वाला कार्ड इसमें टेस्ट प्रिंट मिल चुका है। प्रिंट क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये पीवीसी शीट है जिसके ऊपर इसने प्रिंट किया, प्लास्टिक की वाइट कलर की, जिसके ऊपर ये इस प्रिंटर से हमने प्रिंट हासिल किया है। तो ये थी इसकी इसके अंदर का हेड और रिबन वगैरह इंस्टॉल करने की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करने का और इसका जो क्लीनिंग का प्रोसीजर है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इसकी एप्लीकेशन लिस्ट और बाकी एसेसरीज मेरे पास अवेलेबल हैं। तो अब तक इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।